नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है द राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड फॉर दिस डिस्कशन वी हैव एक्सपर्ट। टू माय लेफ्ट इज डॉक्टर अनुप्रिया चड्डा, शी इज चीफ कंसल्टेंट इंक्लूसिव एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान, एंड टू माय एक्सट्रीम लेफ्ट इज डॉक्टर एस के प्रसाद, ही इज डिप्टी डायरेक्टर इग्नू। दोनों ही एक्सपर्ट हमें आज के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, तो मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उनके इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं या अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008-265-11-613। हमारा फैक्स नंबर है 2651-1609। टाइम टू टाइम आपकी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो आइए हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। वेलकम मैम, वेलकम सर। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इट्स रिगार्डिंग द राइट्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। हम जानते हैं कि आजकल जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में जो चल रहा है, इट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन एंड द डिटेल्स ऑफ दिस। सी द सो फार एज द इंक्लूसिव एजुकेशन इज कंसर्न, या जो जहाँ तक इंक्लूसिव एजुकेशन का ताल्लुक है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट कि दिस इज ए फिलॉसफी बेसिकली, यह एक प्रकार का दर्शन है। और यह स्टार्ट होता है इंक्लूजन से। एजुकेशन हम बाद में लगाते हैं, पहले इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब है कि सभी को एक समान अवसर और एक समान अधिकार है जीवन जीने का जी। और उस जिंदगी को जीने के लिए जो जो जरूरतें होती है, वट एवर द रिक्वायरमेंट्स आर, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड इन ए इक्वल मैनर एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के सभी, जितने भी समाज के जितने भी तत्व हैं, सभी का ये कर्तव्य बन जाता है कि उसमें भाग लें और उस इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। जहाँ तक इंक्लूसिव एजुकेशन का सवाल है, यह एजुकेशन, चूंकि आप हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन आज के डेट में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एक राइट है बच्चे का, सभी बच्चों का इक्वल राइट है कि एजुकेशन लेने का। उस इक्वल राइट को पूरा करने के लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, शैक्षणिक व्यवस्था या शैक्षिक व्यवस्था या एजुकेशनल सेटअप तैयार करना पड़ेगा या करना चाहिए, जिसमें कि सभी बच्चों को उनके नीड के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा प्राप्त हो सके। अब उसके लिए क्या है कि हमें पहले बच्चे के नीड को देखना जरूरी है और बच्चे के नीड के अनुसार हम बच्चे में के शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट यही है कि एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड द एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू द चाइल्ड एंड इट इज द राइट ऑफ द चाइल्ड दैट इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी देयर। सो दिस इज ऑल बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। द एजुकेशन इज द राइट, नॉट ए चैरिटी। एंड हम अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि वो हमारा कर्तव्य, बल्कि ये बच्चे का राइट है वो हमसे पढ़े और उसको पढ़ाने के लिए हमें जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे वो क्लासरूम में हो या घर में हो, सोसाइटी में हो, समाज में हो, कम्युनिटी में हो, हमें करना पड़ेगा। और करने के लिए जो बाध्यताएं हैं उसको पूरा करने की भी जिम्मेवारी हमारे समाज पे है, सरकार पे है, कम्युनिटी पे है। बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन, दिस इज ऑल अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन। और दूसरी बात ये कि अगर हम सही मायने में सब बच्चों को इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी स्कूल में या क्लासरूम्स में, तो कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि ये जरूरी है कि स्कूल में आने से पहले स्कूल आपका तैयार हो ऐसे बच्चे को लेने, सब बच्चों को अपने अंदर लेने के लिए। जो बैरियर्स होते हैं स्कूल में, जिससे ताकि बच्चा का एक्सेस नहीं कर पा रहा है स्कूल किसी कारण से, तो जरूरी है कि उन बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाए। स्कूल में रैम्प्स हों, स्कूल में ऐसे टॉयलेट्स हों, क्लासरूम में जो टीचिंग और लर्निंग होता है वो इस तरीके से हो कि उसमें कोई बाधा ना हो। दूसरा, जो टीचर्स होने चाहिए स्कूल में, जरूरी है कि उन्हें इतनी ट्रेनिंग मिले कि वो हर तरह के बच्चे की नीड्स को, जैसे कि डॉक्टर प्रसाद ने कहा, जो बच्चों की जो नीड्स होती हैं उनको हम पूरा करें। तो ये जरूरी है कि स्कूल में आने के लिए स्कूल जो है वो आपका बैरियर फ्री हो, टीचर्स आपकी सही मायने में ट्रेन हो, और जो बाकी जो बच्चे हैं स्कूल में, जो पीयर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो भी इतने सक्षम हो कि वो हर बच्चे को एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा थोड़ा सा अगर अलग है तो उसको लेबलिंग कर करके उसके 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 मन में किसी तरह का कॉम्प्लेक्स आ जाए। तो तीन चीजें, बैरियर फ्री, ट्रेन टीचर्स एंड पीयर्स
जो है उनका एक बहुत 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 यूजफुल रोल होता है आईई में, जो हम सब बच्चों को इंक्लूड करने की बात करते हैं. जी, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट एवरी चाइल्ड हैज राइट टू गेट एजुकेशन. इट्स नॉट अबाउट द चैरिटी. सर, जैसे आपने एक्सप्लेन किया है, दिस इज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट. पर हम जानते हैं कि हर इंडिविजुअल की, हर चाइल्ड की अपनी नीड्स होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं. सो हाउ वी कैन यूनिफाई देम? बेसिकली सी, यूनिफिकेशन इज समथिंग एल्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल द नीड इज टू असेस द नीड ऑफ द चाइल्ड. सो एवरी चाइल्ड डिफर एज पर देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एज पर देयर ओन फीचर्स, यू कैन से पर्सनैलिटी एस्पेक्ट ऑल्सो इज देयर. सो आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड देन कॉमनलाइज द नीड and come to the particular point where at least you will balance between the need of all the children, irrespective of disability or non-disability. So, this is the teacher's capacity, which first identify the needs. See, my need is different. I am able to understand faster, somebody is understand slightly more faster than me. So, my need is different. So, and the other person need is different. So, both the need should be assessed properly and then it should be answered and solved in a proper manner. So, that's why it is telling that inclusion is a right, not the charity. Yeah. Because inclusion mein hum karte kya hain, ki sabhi vyavasthaen karte hain. Na ki keval hum baat karke chhod dete hain, balki wo hamara wo bacche ka right hai ki humse wo puri tarah ki फैसिलिटी भी ले, सभी तरह की सुविधाओं को प्राप्त करे, जिससे उसके शिक्षा भी, अगर मान लो कि जैसे हम बच्चे को पढ़ने के लिए कॉपी देते हैं, किताब देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उनको इसकी जरूरत होती है और ये उनका राइट है. अगर वो राइट नहीं देंगे वो तो पढ़ेंगे नहीं, कैसे पढ़ेंगे? तो उसी तरह से कुछ बच्चों का ये भी नीड होता है कि हमें उनको स्कूल में लाने की भी व्यवस्था करनी है. कैसे आएंगे स्कूल? अगर स्कूल में उनके स्कूल में आने के बाद भी अगर ऐसी बाधाएं, जैसे कुछ स्टेप्स हैं जिसको बच्चा पार नहीं कर पाता है, हमें ये मेरा फर्ज बनता है एक टीचर के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में, कि हम उस बाधा को दूर करने के लिए प्रयास करें, तभी हम इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को पूरा कर सकते हैं. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कोई बेसिक नहीं है, बल्कि इसी बेस पे पूरा इंक्लूजन का जो, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो फिलॉसफी है वो निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है. इसके लिए सरकार की तरफ से या हमारे संविधान की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो अमूमन तौर पे हम जानते हैं, लेकिन हम उसके उसको हम पूरी तरह से एक कंसेप्चुलाइज करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देने के लिए आप ये स्लाइड देख सकते हैं, जिसके आपको कुछ क्लियर होगा कि क्या व्यवस्थाएं हैं बेसिकली. सी, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन. मैडम, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन ऑल दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 14 एज ग्रुप. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSA एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार को पूरा करने का एक बीड़ा उठाया गया है बेसिकली. और उसमें 6 to 14 जितने बच्चे हैं उनको प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उसमें दी जाती है. तो ये शिक्षा बिल्कुल फ्री है, ये उनका अधिकार है. और उस अधिकार को पूरा करने का इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा विकलांग है या कुछ स्पेशल नीड है. सभी बच्चे का, पहले वो बच्चा है, देन उसके डिफरेंट फीचर है. तो ये हमें देखना पहले जरूरी है. दूसरा है राइट टू एजुकेशन. एजुकेशन का राइट है ही, फ्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट राइट है. फ्री तो बाद में, पहले उनका राइट है. जैसे हमें राइट टू लिव है, जीवन जीने का अधिकार है, उसको उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उस अधिकार को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे कोशिश करते हैं. उसी तरह से एजुकेशन हमारा राइट है, उस राइट को पूरा करने के लिए हम विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं. इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन एक तरह का उसमें हमें फैसिलिटेट करता है या फैसिलिटी प्रदान करता है. आप देख सकते हैं इसमें चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड टू बी टॉट बाय ए ट्रेंड टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. टीचिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचिंग, खास करके बच्चों को टीच करना सबसे टफ है. और ये एक सिस्टमेटिक वे में अगर नहीं होता है तो पूरा सिस्टम हो सकता है कि कल को प्रॉब्लम में आ सकता है. तो ये सिस्टमेटिक टीचिंग के लिए जरूरी है कि टीचर के पास प्रॉपर टीचिंग करने की क्षमता होनी चाहिए या टेक्निक होना चाहिए. उस टेक्निक को, मेथोडोलॉजी जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं, उस पेडागोजी को डेवलप करने के लिए या पेडागोजी को प्रॉपरली बताने के लिए टीचर का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. क्योंकि पेडागोजी के अंतर्गत ही आता है कि हम बच्चे के नीड को कैसे पहचाने, डिफरेंट नीड को, राइट फ्रॉम द सोशल, इमोशनल, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल,
बहुत सारे नीड हैं, सभी नीड को पहचानने की क्षमता टीचर को होनी चाहिए, इसके लिए टीचर का ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। दूसरा है एजुकेट चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, टिल 18 इयर्स। हाँ, ये जो है ये बात की थी 1995 का जो हमारा एक्ट था, एंड इसमें 14 चैप्टर्स इस एक्ट में, और चैप्टर 5 जो था वो शिक्षा से मेनली डील करता है, और उसमें ये बताया गया है कि हर बच्चे को, हर विकलांग बच्चे को फ्रॉम 3 to 18 इयर्स ऑफ एज पूरा हक है कि वो उसी वातावरण में पढ़े जहाँ पे उसकी लर्निंग नीड्स मैक्सिमम जो है वो उसकी पूरी होती हो। तो जब हमने एक ये बोला कि सबसे अप्रोप्रिएट माहौल में पढ़े, तो वो रेगुलर स्कूल भी हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम भी हो सकता है, होम बेस्ड सपोर्ट प्रोग्राम भी हो सकता है, स्पेशल स्कूल्स भी हो सकता है। तो जो 1995 का एक्ट है वो कहता है कि एक मल्टी ऑप्शन मॉडल को हम अडॉप्ट करें, और लेकिन जितनी हद तक हो सके बच्चा रेगुलर स्कूल में आए, लेकिन किसी कारणवश अगर बच्चा अगर रेगुलर स्कूल में अगर नहीं आ पाता है तो और भी ऑप्शंस होने चाहिए उस बच्चे को, ताकि वो किसी ना किसी तरह शिक्षा उस बच्चे तक पहुंचे। उसके बाद है हमारा नेशनल ड्रग्स ट्रस्ट एक्ट है 1999 का, ये बहुत ही सिवियर बच्चों के लिए बनाया गया है, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा सिवियरली डिसेबल्ड है, किसी ना किसी तरह उनको कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स दिए जाएं ताकि जब उनके पेरेंट्स इस दुनिया से जाएं तो वो अपने बच्चे को किसी ना किसी तरह समर्थ होता हुआ देखें। तो इसमें ज्यादा नेशनल ट्रस्ट एक्ट में डेली लिविंग स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस है, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है, और जो लाइफ स्किल्स जो प्रदान करते हैं वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। मैम, जैसे ये आपने डिफरेंट एक्ट्स बताए और इसमें बताया कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूडेड इन दिस एक्ट, सो आर द पीपल अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स? हाँ, पीपल का अवेयरनेस की जहां तक बात है, एक्ट में भी एक प्रोविजन है पीपल को अवेयर करने के लिए, क्योंकि ये एक्ट का केवल सिंपल मतलब ये नहीं है कि हम इस एक्ट को लागू करें, लागू करने का मतलब कि इस एक्ट में क्या क्या सुविधाएं हैं या एक्ट में क्या क्या जो नियम या कानून बनाए गए हैं वो एक्ट क्यों बनाया गया है, कहीं ना कहीं पीपल्स को या पर्सन विद डिसेबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए। उस फैसिलिटेट करने के दौरान हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए या किन किन और एजेंसियों का सहयोग चाहिए, तो ये सभी बातों के अवेयरनेस के लिए भी एक क्लॉज है जो कि इम्पोर्टेंट है, और उस क्लॉज को पूरा करने के लिए बहुत सारे संस्थाएं हैं जो प्रयासरत हैं, और अभी चल रहा है इसका प्रयास बहुत, क्योंकि हमें पता है कि हाफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन अर्बन एरिया एंड द रूरल एरिया, तो वहाँ पे लेवल ऑफ अवेयरनेस और बाकी फैक्टर्स काफी डिफरेंस होता है। बट लेवल ऑफ अवेयरनेस अलग बात है, लेकिन हम किस तरह से अवेयर करते हैं और किस सेगमेंट को हम किस तरह से जाके अवेयर करते हैं ये अलग, प्रोसेस और लेवल दोनों को मैच कराना पड़ता है अवेयरनेस के लिए। और वो प्रोसेस और लेवल, अगर हम अभी यहाँ पर टेली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, क्यों, किन से बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये DRS फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन इस फैसिलिटी को तब तक हम अवेल नहीं कर पाएंगे जब तक वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम या अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम प्रोसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो प्रोसेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आपके सिस्टम में पूरी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट हो, जो रिक्वायरमेंट है वो वस्तु भी वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम फैसिलिटी को प्रॉपर उपयोग कर सकते हैं। तो हम किस तरह से अवेयर कर रहे हैं, ग्रास रूट अवेयरनेस का डिफरेंट प्रोसेस होता है, अर्बन अवेयरनेस का डिफरेंट प्रोसेस होता है, पेरेंट अवेयरनेस का डिफरेंट प्रोसेस होता है, तो अलग अलग किस, हमारा टारगेट ग्रुप क्या है और उसके लिए हम कौन सा तरीका अपना रहे हैं, कौन सा मोड अपना रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ये तो हमें निर्णय करना है, ये एक्ट की जरूरत नहीं है, इसमें एक्ट नहीं बताया गया, लेकिन आपको अपने अपने फैसिलिटी को देखना है, अपने रिसोर्सेज को देखना है, उस रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करेंगे, ये यूज करने का जो मेथोडोलॉजी है वो एवरी इंडिविजुअल हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप, यहाँ पे करना पड़ेगा। हम अभी एक बात बस आपके साथ बात करना चाहेंगे कि ये जो हम बात कर रहे थे ट्रेन टीचर का, कहते थे ट्रेनिंग ऑफ टीचर इज मस्ट, उसके लिए आप सभी जानते हैं कि RCI ने, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने अबाउट 16 कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल का, मोर देन 16 कैटेगरीज राइट नाउ, प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग करने के लिए या ट्रेनिंग के जो करिकुलम होते हैं उनको डेवलप करके स्टैंडर्डाइज किया है, और ये स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए किया गया है कि इक्वल करिकुलम सभी जगह लागू हो, जिससे कि जो भी ट्रेंड पर्सनल निकले या प्रोफेशनल्स निकले या टीचर हो, वो सभी के पास ट्रेनिंग का जो तरीका है या जो उनको ट्रेनिंग दिया गया है वो एक समान हो, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए।
इसलिए ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी वन ऑफ द मेजर स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू कैन से या आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर पर्टिकुलरली इन मीटिंग द नीड ऑफ इंक्लूजन. और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब टीचर ट्रेनिंग की जब बात हो रही है तो आरसीआई जो है वो दो तरह की टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस ज्यादा करता है. एक तो होते हैं हमारे स्पेशल टीचर्स हु आर स्पेशली ट्रेन्ड ओनली टू टीच चिल्ड्रन हु आर स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन हु आर डिसेबल्ड. और दूसरी तरह की ट्रेनिंग होती है जो हमारे जनरल टीचर्स के लिए होती है जो हमारे रेगुलर स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, ताकि जब डिसेबल्ड बच्चे रेगुलर स्कूल में आए तो इन टीचर्स को भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है कि बच्चे जो माइल्ड एंड मॉडरेट स्पेशल नीड्स के जो आपके रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं उन बच्चों का क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा हो, उनके एड्स एंड अप्लायंसेस को कैसे हम यूज करेंगे, पेरेंटल काउंसलिंग कैसे करेंगे. तो ये जो रेगुलर टीचर है उनका भी सक्षम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा डिसेबल्ड बच्चे हमारे रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं और टीचर एक बहुत ही अहम पिलर है इन बच्चों को डील करने में, इन बच्चों को पढ़ाने में. जी, इस दिशा में मैं यही कहना चाहेंगे कि आरसीआई का जो प्रयास है, आरसीआई इज ऑल्सो ए एक्ट, नॉट ओनली इट इज ए एक्ट विच रियली इम्फेसाइज दैट चाइल्ड राइट ऑफ द चाइल्ड इज टू दैट एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी बाय अ ट्रेन टीचर. Trained teacher, trained educator, you can say trained teacher. So this is the very important aspect of RCA. RCA ensures that every child with disability should have the education by a specific trained personal teacher or professional. So I would like to highlight some basic concept of this Person with Disability Act, as you all know. But since we are discussing the things, so it is important to have some idea, glimpse of this act. See, the most landmark legislation in the history of special education, this is, and it was passed in 1995. So chapter 5 of this act, which deals with the education, mentioned that the appropriate government and the local authorities shall ensure that every child with a disability has access to free education in an appropriate environment. Here most important is not free education, rather appropriate environment. Because appropriate, unless you are not making the environment suitable to the child, there is no meaning of free education. So it is the you can say obligation of the local government or local even society, you can say community, to prepare or make the environment appropriate as per the need of the child. Everybody must remember this while we are talking for the education of the child, any child or child with disability in a particular way. And then the endeavor to promote the integration of a student with disability in the normal school. This is another step, because only a special school, provision of a special school does not suffice the need. इसके लिए हमें ये ultimately क्या है, बच्चे को एक mainstream society में जाना है और उसके लिए हमें तैयार करना है. तो integration in normal school बहुत important है. यहाँ पर क्या होता है, normal school को तैयार होना चाहिए कि जो बच्चे स्पेशल स्कूल से आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें. एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड कमिंग फ्रॉम द स्पेशल स्कूल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर नॉर्मल स्कूल. इट मीन्स द टीचर और द एडमिनिस्ट्रेटर कंसर्निंग नॉर्मल स्कूल, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड ऑल्सो अबाउट द एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी. राइट, बिल्कुल. सो यू कैन, बिल्कुल है. एंड और तीसरी बात जो ये हमारा जो एक्ट बोलता है वो ये है कि जो बच्चे आपके बहुत ही ज्यादा सिवियरली डिसेबल्ड हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी सरकार जो है वो सेटअप करे. और लेकिन ये जरूरी है कि ये जो स्पेशल स्कूल्स हैं ये हर एक ऐसे एरिया में हो जहां पर डिसेबल बच्चे, जो आपके सिवियरली डिसेबल बच्चे हैं वो आपके ज्यादा मात्रा में हो. और ये भी जरूरी हो कि वो स्पेशल स्कूल्स एक्सेस करने में आसानी हो. आजकल ये देखा जाता है कि स्पेशल स्कूल ज्यादा अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में कम है. तो ये एक्ट बिल्कुल इस बात को ले डाउन करता है कि जहां जहां ऐसे बच्चों की मात्रा ज्यादा है वहां वहां स्पेशल स्कूल्स प्रोवाइड किए जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके स्पेशल स्कूल में आए और उनको उस तरह की वो एजुकेशन मिले, स्पेशल एजुकेशन मिले, ताकि वो सक्षम हो सके और वहां पे ट्रेनिंग पाने के बाद वो रेगुलर स्कूल्स में आपके इंक्लूड हो जाएं. जी, कुछ और ये एक्ट ये भी कहता है कि जहां पे स्पेशल स्कूल्स और रेगुलर स्कूल अवेलेबल नहीं है
वहाँ इन बच्चों के लिए पार्ट टाइम क्लासेस कंडक्ट की जाए, वो मीडिया के थ्रू भी हो सकती है, नेशनल ओपन स्कूल के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि जब इनको हम ओपन स्कूलिंग के द्वारा पढ़ाएं या इनको पार्ट टाइम क्लासेस दें तो इनको बुक्स और इक्विपमेंट जो प्रोवाइड किया जाए वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ताकि एक जो जो ताकि डिसेबल्ड बच्चे के ऊपर कम से कम खर्चा हो, दी जो शिक्षा जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो. And then imparting non-formal education by utilizing available manpower in rural areas. This is also very important because you see, आपके आसपास में भी या जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे resources हैं, particularly human resources, जिन्हें हम use नहीं कर पाते और उनको जरूरत है उनको टैप करने की और टैप करके यूज करने की. हम उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, उनको empowered कर सकते हैं कि वो बच्चे को डील कर सकें, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक वो बच्चे को पढ़ा सके. तो इसलिए इस एक्ट में एक प्रावधान दिया गया है कि आप वैसे बच्चों वैसे लोगों को भी लोगों की भी सेवाएं लें और उनको एम्पावर्ड करें. इम्पार्टिंग एजुकेशन नॉन फॉर्मल वे में, नॉट फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में, रादर नॉन फॉर्मल वे में. एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सजेशंस प्लान. एंड देन कंडक्टिंग क्लास एंड डिस्कशन थ्रू इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मीडिया. एंड देन प्रोवाइडिंग एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल बुक्स and equipment needed for his education or equipment including aids and appliances. Bilkul. Wo jyada important hai. Then other provision under this act is transport facility. बच्चों को ट्रांसपोर्ट या एस्कॉर्ट अलाउंस देना जरूरी है. कितनी बार ऐसा होता है कि जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं वो हमारे स्कूल्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं. रीजन क्या होता है कि या तो उनके पास किस तरह की कोई एस्कॉर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं होता है जो उनको स्कूलों में लेकर आए. इसलिए ये एक्ट कहता है कि जहां जहां बच्चों को ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट अलाउंस की जरूरत हो वहां उन बच्चों को ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट अलाउंस दिया जाए, यदि नहीं तो पेरेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जाए ताकि वो इन बच्चों को स्कूलों में लेकर आए. और रिमूवल ऑफ बैरियर्स फ्रॉम स्कूल, ये बहुत जरूरी है कि बच्चा जब घर से जब स्कूल आए तो रास्ते में जो बैरियर्स होते हैं उन्हें रिमूव कर दिए जाएं. स्कूल के अंदर जो बैरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर प्रसाद ने कहा था, अगर स्टेप्स हैं, बच्चा का क्लास अगर फर्स्ट फ्लोर पे होगा, अगर सीढ़ियां हैं तो बच्चा कैसे एक्सेस करेगा क्लासरूम को, तो रैंप्स प्रोवाइड किए जाएं, हैंड रेल प्रोवाइड किए जाएं. जरूरी है कि स्कूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा चाइल्ड फ्रेंडली और डिसेबल चाइल्ड फ्रेंडली बने. एंड तीसरा स्कॉलरशिप्स का भी इस एक्ट में बात की गई है कि जो डिसेबल बच्चे हैं जो अपनी प्राइमरी स्कूल पूरा करते हैं उन्हें किसी तरह की स्कॉलरशिप का भी स्कॉलरशिप भी उनको मिले. और एक एक्ट में ये वोकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग का व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण इसकी भी व्यवस्था की गई है कि एज पर द कैपेसिटी और एज पर द यू कैन एबिलिटी और यू कैन एज पर द एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड कंसर्न there must be some vocational skill education available to the child so that child could be mainstream according to their aptitude. उनको ऐसी शिक्षा दी जाए वोकेशनल कि वो अपने से कुछ करने लायक हो सके, प्रोडक्टिव वो डेवलप कर सके, न कि केवल हम उनके उनको उनसे ही एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ कर ही नहीं सकते. सभी के पास कुछ न कुछ ऐसी योग्यताएं होती है जिनको हम और उभार करके जी. ला सकते हैं और उभारने के बाद उनको हम यूज कर सकते हैं सोसाइटी में. इसकी व्यवस्था मतलब वोकेशनल एजुकेशन पर काफी जोर दिया गया है इस एक्ट में. जी और सर, जैसे कि आपने बताया कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल और टू द चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटीज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज एक्ट्स विद आवर एक्सपर्ट्स. सो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी deaf blindness क्या है. बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है.
बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेलफोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। Welcome back to our discussion. We were discussing about the provisions under the Act, so we'll continue the discussion. Basically, जो हम बात कर रहे हैं वो right to inclusion की बात कर रहे हैं, या right to inclusive education की बात कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत जो भी हमारे संवैधानिक जो facilities या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी हम बात करते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो वो संविधान के तहत ही करते हैं। और हमारे संविधान में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है जो डायरेक्टली रिलेटेड है इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूजन ऑफ द चाइल्ड विथ रेफरेंस टू एजुकेशन इन द मेनस्ट्रीम सोसाइटी।
इसके अंतर्गत अभी हम लोगों ने बात की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, शिक्षा में जो शैक्षिक वातावरण में सुधार करने की जरूरत है, या वातावरण में जो बाधा रहित वातावरण उत्पन्न करने की बात है, या बाधा रहित वातावरण को बनाने की बात है। इन सभी बातों के साथ अलावे एक और इम्पोर्टेंट है कि हम सेटिंग अप ऑफ एप्रोप्रिएट फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेज ऑफ पेरेंट्स रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। क्योंकि पेरेंट्स का हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होता है, या ये एक पेरेंट्स का यू कैन से कि पेरेंट्स की ड्यूटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है, कि अपने बच्चों के बारे में सोचें और बच्चों को एक प्रॉपर वे में समाज में स्थापित करने की सोचें। तो उस स्थापित करने के अवस्था में या वोकेशनल प्लेसमेंट के दौरान जो जो बहुत सारी जो बाधाएं आती हैं या बहुत सारी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है, उनको कैसे दूर करें या उनको दूर करने के लिए कैसे और लोगों को शामिल करें, इसके लिए एक फोरम का होना बहुत जरूरी है जहां उनके ग्रीवांसेस को सुना जाए और सुन के उनको रिड्रेस किया जाए, यानी प्रॉपर आंसर किया जाए और प्रॉपर सॉल्व किया जाए। इसके लिए इस एक्ट में व्यवस्था की गई है और आज के डेट में हमें लगता है कि जिला स्तर तक ये फोरम की व्यवस्था हो गई है। राज्य स्तर तक तो है ही, जिला स्तर तक, इवन पंचायत स्तर तक भी है जहां इनकी बातों को सुना जाता है और वोकेशनल ट्रेनिंग में, वोकेशनल प्लेसमेंट में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को या जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको प्रॉपर केयर किया जाता है। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस एक्ट का, जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन को संबोधित करता है, वो यह है कि सुटेबल मॉडिफिकेशन इन द एग्जामिनेशन सिस्टम टू एलिमिनेट प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चन फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट विद लो विजन। क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जो हमारा सिस्टम है वो ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्जाम, ये इवेल्यूएशन सिस्टम हम ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन जो फॉर्मल एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उसमें रीस्ट्रक्चर करके हम कोशिश करें कि वैसे क्वेश्चन न दिया जाए जो ज़्यादा मैथमेटिकल इन नेचर हो, और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ करिकुलम की व्यवस्था एक्ट में की गई है, लेकिन हम करते क्या है कि रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ करिकुलम को अडेप्ट भी करते हैं, अडेप्ट करने की भी कोशिश करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि उसी करिकुलम तभी हम इंक्लूजन की बात करेंगे जबकि सेम करिकुलम को हम सभी बच्चों को पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो है उनके लिए अलग करिकुलम बना रहे हैं और जो सामान्य बच्चे हैं या मेन स्ट्रीम बच्चे हैं उनके लिए अलग करिकुलम बना रहे हैं। सेम करिकुलम को उनके नीड के अनुसार, मेथोडोलॉजी डिफरेंट हो सकता है, करिकुलम सेम होगा, तो मेथोडोलॉजी हम खुद डिवाइस करते हैं, खुद अडेप्ट करते हैं इसकी व्यवस्था एक्ट में। जो और भी व्यवस्था है उसमें रीस्ट्रक्चरिंग द करिकुलम फॉर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट टू फैसिलिटेट देम टू टेक ओनली वन लैंग्वेज एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। क्योंकि आपको पता है और आप में से बहुत सारे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के एक्सपर्ट हैं या टीचर हैं, आपको पता होगा कि मल्टी लिंग्वलिज्म के कारण हियरिंग इम्पेयरमेंट इम्पेयर्ड बच्चों को, हियरिंग पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक्ट में यह व्यवस्था है कि वो सिंगल लैंग्वेज, वन लैंग्वेज पर केंद्रित करें और उनको सिंगल लैंग्वेज में दक्षता हासिल करने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट है कि ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल प्रोवाइड और कॉज टू बी प्रोवाइडेड एमिनिटीज टू ब्लाइंड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विद लो विजन। ये आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि स्क्राइब, क्योंकि जो हमने ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको, क्योंकि वो ब्लाइंड होते हैं, जिनका विजन लो होता है, उनको रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाएं ताकि जब ये बच्चे एग्जाम्स देने जाएं तो इन्हें कोई स्क्राइब मिले। स्क्राइब सिर्फ वो होता है जो इनके लिए क्वेश्चन आंसर, जो इनको पढ़ के सुनाए कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या लिखा है। दैट स्क्राइब कैन आइदर बी अ पेरेंट, इट कैन बी द चाइल्ड पीयर, इट कैन बी अ चाइल्ड हुज फ्रॉम एन अबव ग्रेड, जो बच्चे से थोड़े दूसरी क्लास का हो, तो किसी ना किसी अरेंजमेंट किया जाए ताकि जो क्वेश्चन पेपर है वो कोई लो विजन या ब्लाइंड बच्चे को रीड करे, ताकि वो बच्चा फिर अपने उन क्वेश्चंस को, अपने क्वेश्चन पेपर को आराम से आंसर कर दे। जी सर, जैसे कि हमारी डिस्कशन चल रही है, इट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, तो और इसमें हमने बीच में टर्म्स यूज करे स्पेशल स्कूल्स, मेन स्ट्रीमिंग एंड देन इंक्लूसिव स्कूल सेटअप्स, तो वी वुड लाइक टू नो फ्यू इन्फॉर्मेशन, फ्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज सेटअप्स, स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, एक बीच में और भी है कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड स्कूल का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली क्या है आप बताएंगे क्या? जो एक स्पेशल स्कूल होता है वो एक वो सिर्फ
वो जो होता है वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है, या ब्लाइंड बच्चों के लिए होगा, या हियरिंग बच्चों के लिए होगा, या आपके चिल्ड्रन हु आर मेंटली रिटार्डेड है उनके लिए होगा. अब वो आपके शिक्षा मेन स्ट्रीम एजुकेशन से कटा हुआ होता है, एकदम स्पेशल स्कूल होता है, उसमें आपके स्पेशल टीचर्स होते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट होता है, स्पेशल टीच लर्निंग मटीरियल होता है. तो एक वो स्पेशल स्कूल होता है जिसमें कि स्पेशल बच्चों को, डिसेबल्ड बच्चों को हम पढ़ाते हैं, और इस स्पेशल स्कूल का मेन स्ट्रीम सोसाइटी या मेन स्ट्रीम स्कूल से कोई संबंध नहीं होता है. उसके फिर इसके बाद आता है कि बच्चों को जब रेगुलर स्कूल में आते हैं लेके, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो, हम ये मान के चलते हैं कि स्कूल्स अभी तैयार नहीं है, हम बच्चों को तैयार करते हैं और फिर हम बच्चों को आपके रेगुलर स्कूल में आते हैं लेके. जैसे कि आपने बात की स्पेशल स्कूल्स पहले हो गया, फिर जिन बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम किया, ये होता है मेन स्ट्रीम कि स्कूल तैयार नहीं है, सिस्टम तैयार नहीं है, पर बच्चे को हम तैयार करते हैं, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं बच्चे में कमी है, तो इसलिए बच्चे को तैयार करके हम रेगुलर स्कूल में आते हैं लेके. जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि बच्चे का पहला जो राइट है वो रेगुलर स्कूल में ही होने का है. तो बच्चे को, तो ये नहीं कि बच्चे को तैयार किया जाए, पर सिस्टम को तैयार किया जाए, ताकि वो जो बच्चे जो हमारे डिफरेंट हैं, जो थोड़े से अलग हैं, उन बच्चों को भी हम रेगुलर स्कूल में लेकर आए. तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सिस्टम. द चाइल्ड डज नॉट नीड टू बी प्रिपेयर्ड एज मच, द सिस्टम हैज टू चेंज, द सिस्टम हैज टू अडेप्ट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे जो आपके डिफरेंट हैं, उनको भी हम रेगुलर स्कूल में लेकर आए. इसमें थोड़ा हम और ऐड करना चाहेंगे कि जैसे देखिए, जब हम बात करते हैं कि राइट टू एजुकेशन की, या एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, तो इसमें हम किसी बच्चे को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, या किसी बच्चे को ये नहीं कर सकते कि तुम्हें नहीं पढ़ना है. और डिफरेंट कैटेगरी, जब हम बात करते हैं पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की, तो इसमें भी कई कैटेगरीज हैं, बेसिकली कई लेवल्स हैं, स्तर हैं डिसेबिलिटी के. कुछ ऐसे स्तर हैं जो सीवियर लेवल के हैं, जहाँ पे कि हम बिल्कुल एक नॉर्मल क्लासरूम में, या जिसे हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं, वहां भी इन बच्चों को प्रॉपर केयर नहीं कर सकते हैं. तो इसे इनके लिए एक अलग सेटअप की व्यवस्था होती है, जिसे स्पेशल स्कूल भी, स्पेशल स्कूल के महत्व को या स्पेशल स्कूल के नीड को हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते. जब भी हम बात करते हैं चाइल्ड राइट टू एजुकेशन या एजुकेशन फॉर ऑल की, तो स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल की अपनी महत्व है, अपना एग्जिस्टेंस है, और उसके महत्व को रखना, बरकरार रखना चाहिए, और उसकी जरूरत भी है. क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको उसी की जरूरत है. जैसे नॉर्मल में भी क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ट्यूटोरियल की जरूरत होती है, उनके लिए हम अलग से क्लास की व्यवस्था करते हैं, और उनको हम एक घंटा अलग देते हैं, शाम में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी नीड है. उसी तरह से स्पेशल स्कूल भी एज पर द नीड जरूरी है. तो यार स्पेशल स्कूल को भी हम ऐसा कुछ स्पेशल नहीं माने, तो पार्ट ऑफ द इंक्लूजन है, वो भी इंक्लूसिव का एक पार्ट है, या एक सिस्टम का पार्ट है. इंक्लूसिव सिस्टम का ही पार्ट है स्पेशल स्कूल, एक तरह से हम बात करें तो. लेकिन सभी बच्चों के लिए नहीं है स्पेशल स्कूल, कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए जिनकी जरूरत है लेवल के अनुसार. अब हम अगर इस एक्ट में जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन बात करते हैं कि एक्ट में जो डिसेबिलिटीज के कैटेगरीज को शामिल किया गया है, या प्रकार को जो शामिल किया गया हुआ है, लो विजन, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस एंड लेप्रेसी क्योर्ड. इसके अलावे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में, क्योंकि इसमें 7 डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया, कुछ और भी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जिनको, जिनका जिक्र इस एक्ट में नहीं किया गया है, तो एक दूसरे एक्ट की भी जरूरत महसूस की गई, और उसको ध्यान में रखते हुए जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में बनाया गया, उसके अंतर्गत हम ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात करते हैं. सो दिस एक्ट बेसिकली इट्स अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी. This trust seeks to protect and promote the rights of persons within the disability sector have been even more marginalized than other. क्योंकि ये disability में भी ये थोड़ा सा इनका अलग हो जाते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही marginalized हो जाते हैं. तो इनको भी mainstream करने के लिए ये constitutional व्यवस्था की गई है, और वो constitutional व्यवस्था ये National Trust Act. इसके अंतर्गत आपने देखा कि mental retardation, autism including this सेरेब्रल पाल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये 4 डिसेबिलिटी को इस एक्ट के अंतर्गत विशेष प्राथमिकता दी गई या महत्व दिया गया है, क्योंकि ये ज्यादा सिवियर भी होती हैं, क्योंकि ज्यादा डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इनमें ज्यादा होती है, तो इसलिए इनके प्रमोशन के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट को लाया गया है. क्योंकि नेशनल ट्रस्ट एक्ट बेसिकली टाइप ऑफ, यू कैन से, द गार्जियनशिप
इट्स द गार्जियन फॉर ऑल दोज हु आर नॉट हु आर नॉट बीइंग टेकन केयर बाय द इंक्लूसिव सेटअप या इंक्लूसिव स्कूल या अदर स्कूल. सो उनके लिए ये एक विशेष व्यवस्था की गई है, कंस्टिट्यूशनल व्यवस्था. ये भी एक इंक्लूजन की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है. अब दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, एक तो ये हमारा हो गया कि कंस्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है हम कैसे पूरा कर रहे हैं, या हमारी सरकार कितना प्रयत्नशील है इसके लिए, हमारा संविधान कितना एक्टिव है इसके लिए. उसके अलावे जो एक ये है कि इसमें प्रोविजन है, ये होनी चाहिए. दूसरा एक्शन, एक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक्शन में जो अभी हमारा मेजर एक्शन जो है पर्टिकुलरली एजुकेशन के, वो है सर्व शिक्षा अभियान, जो एक फ्लेक्सिव प्रोग्राम है, एवरीबॉडी नोज इट, और ये मैसिव स्केल में सभी पूरे कंट्री में चल रहा है. और इसके बारे में डिटेल, क्योंकि ये डॉक्टर अनुप्रिया चड्डा शी इज द चीफ कंसल्टेंट ऑफ पर्टिकुलरली लुकिंग आफ्टर दिस आईईडी, दिस इंक्लूसिव एजुकेशन, और इनका यहाँ पर उपस्थिति ही बहुत है. तो ये मेजर तौर पे काफी बताएंगे कि क्या इनफैक्ट एसएसए का क्या रोल है और कैसे चल रहा है. जैसे कि डॉक्टर प्रसाद ने बताया, एसएसए इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम, एंड इसके तहत हमारे पास 1.12 मिलियन स्कूल्स हैं, 3.4 मिलियन टीचर्स है जो इसका टारगेट ग्रुप है. और इसका मेन उद्देश्य है कि ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 टू 14 इयर्स, इनको हम किस ना किस तरह शिक्षा इनको इनके द्वार पे लेके जाए. ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 टू 14 इयर्स हैव टू बी किस ना हमने इनको शिक्षा प्रदान करनी है. एंड जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल 6 to 14 ईयर्स की, तो इसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का भी एक बहुत ही जरूरी पार्ट है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि 6 to 14 ईयर्स में ये बच्चे भी इंक्लूडेड हैं. एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएसए में हम जीरो रिजेक्शन की बात करते हैं, विच मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कोई भी उनकी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी है, किसी भी तरह की उनकी स्पेशल नीड है, कोई भी जो भी उनका लेवल हो, ऑल ऑफ देम हैव टू बी इंक्लूडेड इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज. एंड इसमें जीरो जो जीरो रिजेक्शन की बात है वो ये है कि एसएससी इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, whatever the kind, category and degree of special need, is provided education in a most appropriate environment. ये जो हमने PWD Act में बात की थी, the most appropriate environment suited to the child's learning needs. SSA further adopts a zero rejection policy so that no child is left out of your system, which means कि जो भी हमारा शिक्षा का जो system है, सारे बच्चे जो है उसमें किसी ना किसी तरह included हो, किसी ना किसी तरह उसमें शामिल हो. And जैसे ये आपने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, हम एसएसए के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें आपने बताया कि किस तरीके से ये फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड जीरो रिजेक्शन इन दिस, देयर इज अ जीरो रिजेक्शन, और एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू गेट द एजुकेशन. तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एजुकेटर वर्किंग इन दिस एसएसए. ओके, इसमें एसएसए को लागू करने के लिए डिफरेंट लेवल्स पे मशीनरी है. जी. जैसे कि एवरी स्टेट में एसएसए का एक ऑफिस है, एंड उसमें उस ऑफिस में सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के हैं, जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का एक ऑफिसर है. जी. एंड उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि स्टेट लेवल पे हम एक ऐसी सिद्धांत एक ऐसी फिलोसफी बनाए ताकि सारे के सारे जो आपके डिसेबल बच्चे हैं वो आपके रेगुलर स्कूल्स में आ सके या किसी ना किसी तरह शिक्षा उन तक पहुंचे. वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर हमारा एक मशीनरी है जिसके तहत पूरी की पूरी कोशिश की जाती है कि डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी संस्थाएं हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं, जो डिसेबल बच्चों के लिए काम कर रही हैं, वो सारी की सारी मिलके एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाए ताकि ऑल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स किस ना किसी तरह दे आर ब्रॉट इनटू योर रेगुलर स्कूल. फिर उसके बाद ब्लॉक और क्लस्टर पे हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मेनली टीचर्स हैं, या आपके टीचर या आपके मास्टर ट्रेनर्स हैं, और इनका रोल होता है टीचर्स को ट्रेन करना, बच्चों को असेस करना, बच्चों की नीड्स को असेस करना, किसी ना किसी तरह बच्चों को सारी नीड्स पूरी करना जिसकी बच्चों की जरूरत है, और इन नीड्स की पूर्ति के बाद फिर इन बच्चों को स्कूलों में लेकर आना. और फिर विलेज लेवल पे हमारी एक विलेज की कमिटी होती है जो एसएसए में बनाई गई है, उनका ये काम होता है कि मॉनिटर करें कि आपके सारे के सारे जो बच्चे जो उस गांव के हैं वो स्कूल में आ रहे हैं, और वो ये भी मॉनिटर करती हैं कि इसमें जो डिसेबल बच्चे हैं
वो भी हमारे रेगुलर स्कूल में आए। तो एक जो एजुकेटर का जो रोल है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वो अलग अलग रोल होता है। आज स्टेट लेवल पे ज्यादा विजन का रोल है, डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन का रोल है, ब्लॉक एंड क्लस्टर में ज्यादा ट्रेनिंग का रोल है, और स्कूल लेवल पे ज्यादा नीड सपोर्ट, जो बच्ची को जो नीड की जो पूर्ति है स्कूल लेवल पे वो ज्यादा इस तरह का ज्यादा रोल है। तो अपने लेवल पे अपनी इम्पोर्टेंस है, उनके अपने वर्क है। जी जी जी, देखिए जहाँ तक SSA का सवाल है ना, SSA का विजन को अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो पाएंगे कि SSA एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि एवरी चाइल्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, बच्चे के पास क्या फीचर्स हैं, बच्चे की क्या आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखा गया है और उनके नीड को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि अगर हमें जरूरत होती केवल पेडागोजी की तो सभी पर एक मेथोडोलॉजी, हमारा प्रारंभिक शिक्षा देना है, सभी को एक मेथोडोलॉजी के साथ हम प्रारंभिक शिक्षा दे सकते थे। बट यहाँ पे एक कंपोनेंट रखा गया आई इंक्लूसिव एजुकेशन। क्यों रखा गया? क्योंकि हमें पता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि स्कूल को उस तरह से तैयार करना है, स्कूल को हमें बनाना है उनके लिए, न कि उनको बनाना है स्कूल के लिए। स्कूल भी तैयार होना चाहिए, उसके लिए हमें एक स्पेशल कंपोनेंट रखा गया। एक कंपोनेंट डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि स्कूल आने में समर्थ नहीं होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन्हें मदद करना चाहिए जिससे कि वो स्कूल आ जाए, कैसे उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, कैसे उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए जो कि वो स्कूल आ जाए। तीसरा है कि कम्युनिटी को किस तरह से मोबिलाइज करें, कम्युनिटी को किस तरह से मोटिवेट करें जिससे कि वो हमारे इस प्रोग्राम में के ऑब्जेक्टिव को मीट करने में ज्यादा मदद करें। तो इन सभी बातों का ध्यान SSA में रखा गया है, और उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसका अल्टीमेट गोल है कि टू अचीव द दिस एजुकेशन फॉर ऑल। जी, तो ये एक गोल को अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट कंपोनेंट को अल्टीमेटली क्या है कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में यही चाहिए, एज पर द नीड हमें एजुकेशन में व्यवस्था करनी चाहिए। तो SSA एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम है जो प्योरली इंक्लूसिव प्रोग्राम है, इनको हम कह सकते हैं, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को सही डिफाइन करता है। इनफैक्ट जी, जैसे कि सर आपने बताया कि SSA में हर किसी का राइट है एजुकेशन लेने का, और इट्स प्योरली द इंक्लूसिव प्रोग्राम, मतलब एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। यस, इट इज एवरीबडी नॉट इंक्लूडेड, रादर फॉर एवरी पर्सन, एवरी चाइल्ड नीड हैज बीन टेकन केयर बाय दिस प्रोग्राम, सभी बच्चों के नीड को ध्यान में रखा गया है। दूसरा एक ऐसा भी इसमें कंपोनेंट है जो कि केवल फर्स्ट जनरेशन लर्नर को टैकल करता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके बस पहला जनरेशन है जो कि स्कूल आ रहे हैं, उनके पहले स्कूल उनके ट्रेडिशन में किसी ने नहीं देखा, तो उनके बच्चों का अलग नीड होता है। उन बच्चों को पहले तो हमें एक शिक्षा से अवगत कराना है, उसके लिए भी प्रॉपर प्रोविजन SSA में रखा गया है। तो SSA एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो हमारी सभी एजुकेशनल नीड को, जरूरत को महसूस किया और पूरा करने की कोशिश किया जा रहा है इसमें। तो ये बेसिकली हम कहेंगे कि एक्शन, इंक्लूसिव एजुकेशन को जो पूरा करने के लिए जो एक्शन है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है SSA। बिल्कुल, SSA के बारे में हम अभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उसके पहले क्योंकि ये हम समझते हैं इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जो हमारे कितने मॉडल्स हैं SSA में जो कि फॉलो करते हैं, उसमें रेगुलर स्कूल क्या है, स्कूल रेडीनेस क्या है, और फिर होम बेस्ड एजुकेशन क्या है, उसमें होम बेस्ड भी इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और अदर डिसएडवांटेज, उनके लिए होम बेस्ड किस तरह से हम करते हैं, इसके लिए भी हम डिटेल अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। जी, तो जैसे कि सर ने बताया कि डिफरेंट मॉडल्स आर देयर, सो वी वुड लाइक टू नो अबाउट डिटेल्स। तीन बेसिक मॉडल्स हैं SSA में, रेगुलर स्कूल, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम एंड होम बेस्ड सपोर्ट प्रोग्राम। रेगुलर स्कूल का सिंपल मतलब ये है कि एक सामान्य स्कूल में हम अपने डिसेबल या स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को लेकर आए, और SSA क्या करता है कि रेगुलर स्कूल्स को प्रिपेयर करता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था उसमें बैरियर फ्री फीचर्स हों, टीचर्स को ट्रेन करें, नॉन डिसेबल बच्चों को तैयार करें ताकि वो डिसेबल बच्चों को एट पार उनको ट्रीट करें उनको, और उनको अपना फ्रेंड बनाए। तो रेगुलर स्कूल की जो बात होती है कि वी प्रिपेयर अ रेगुलर स्कूल्स टू मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। दूसरा स्कूल रेडीनेस,
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि आपके बच्चे का विजन लो है या टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको एकदम तो उठा के स्कूलों में हम लेके नहीं आ सकते, दे नीड टू हैव सम काइंड ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम सिर्फ एक पैकेज प्रोग्राम है जिसमें कि हम कुछ डिसेबल बच्चों को बेसिक स्किल्स देते हैं और उन स्किल्स को पाने के बाद वो आपके रेगुलर स्कूल में आने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम या तैयार हो जाते हैं। जैसे कि ब्लाइंड बच्चे को ब्रेल देना, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को साइन लैंग्वेज सिखाना, ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो हम अपने बच्चों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम्स के थ्रू देते हैं अंडर एसएसए। फिर है होम बेस्ड सपोर्ट प्रोग्राम, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा सीवियरली डिसेबल्ड हैं, जो बिल्कुल ही पलंग से जुड़े हुए हैं, जिनका खुद से उठना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है, कपड़े डालना मुश्किल है, तो उनके लिए होम बेस्ड सपोर्ट प्रोग्राम है जिसके तहत एक ट्रेन टीचर इन बच्चों के घर में जाता है, उनको डेली लिविंग स्किल्स सिखाता है, उनको धीरे धीरे उनको इस लायक बनाता है कि वो अपने आप दे आर एबल टू डू डेली लिविंग स्किल्स ऑफ ईटिंग ड्रिंक eating, wearing their own clothes, brushing their teeth, level 1, level 2 पे उनको थोड़ा थोड़ा उनको functional literacy skills देना, time management, money management सिखाना, और तीसरे रुपए उनको थोड़ा सा वोकेशनल ट्रेनिंग देना। और होम बेस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत एसएसए में अभी हमने 1,00,000 से ऊपर बच्चों को होम बेस एजुकेशन प्रोग्राम्स दिया है, और ये पेरेंट्स भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज पेरेंट्स को भी हम ट्रेन करते हैं कि इन बच्चों का केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करना है। सो दीज आर द 3 बेसिक मॉडल्स दैट वी आर यूजिंग अंडर एसएसए टू रीच आउट टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। पेरेंट्स केयर के लिए एक ऑलरेडी नेशनल ट्रस्ट में तो केयर गिवर का प्रोग्राम है ही, जो बेसिकली जो केयर टेकर होते हैं उनके लिए है, उसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं। और हमारा एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और इग्नू का एक ज्वाइंट प्रोग्राम भी है, जो पर्टिकुलरली पेरेंट अवेयरनेस पैकेज है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसके तहत भी बहुत सारे पेरेंट्स, अभी हम करीब कई हजार पेरेंट्स ने इसका प्रशिक्षण लिया है और उनको बेजाबता इसका लाभ भी हो रहा है। और ये प्रोग्राम ऑनगोइंग है, ये 4 एरिया में अभी है, मेंटल रिटार्डेशन, सेरेब्रल पाल्सी, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, और ये सभी करीब करीब सभी स्टेट में ये चल रहा है। तो ये हमारा पेरेंट्स को बेसिकली इम्पावर्ड करने का एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं। और एसएसए के तहत ये जो मेन कैटेगरीज हैं वो ये कवर होती हैं, ऑलरेडी डॉक्टर प्रसाद ने बता दिया है। कुछ नेशनल ट्रस्ट की, जो नेशनल ट्रस्ट में जो 4 कवर्ड है, और जो पर्सन जो पीडी एक्ट है पीडब्ल्यू 1995 में जो हमारी 7 कैटेगरीज कवर्ड है, वो 11 की 11 जो है वो हमारे एसएसए में आती है। जैसे कि स्लाइड में नजर आ रहा है, लो विजन, टोटली ब्लाइंड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट और ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, सीपी, चिल्ड्रन हू आर लर्निंग डिसेबल, चिल्ड्रन हू आर एमडी एंड चिल्ड्रन हू ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। तो ये 11 टिपिकल कैटेगरीज हैं, बेसिक कैटेगरीज हैं जो एसएसए में कवर, क्योंकि जो हम एसएसए में कवर करते हैं क्योंकि हम जीरो रिजेक्शन की बात करते हैं, तो पूरा प्रयास है कि ऑल डिसेबल्ड चिल्ड्रन, नो मैटर व्हाट एवर द नेचर, व्हाट एवर द डिग्री, व्हाट एवर द काइंड ऑफ स्पेशल नीड दे हैव, दे ऑल गेट इंक्लूडेड इन योर रेगुलर एजुकेशन सिस्टम। जी, तो इन सारे टारगेट ग्रुप को हम इंक्लूड करते हैं इस एसएसए में, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। और हमारे एक्सपर्ट ने जैसे बताया कि इन सारे टारगेट ग्रुप को हम विद जीरो रिजेक्शन, हमें सबको एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, इसकी बाकी की डिस्कशन, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम ब्रेक के बाद जानेंगे। दिस इज अपर्णा, she loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. This is Raj Bala. तारा है तू, जीती हूँ मैं
with her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शेडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो
ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। फरीदा का देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन ओपन करके, ओपन ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very. Cup को touch करो जल्दी से. आपको. Where is the cup? Very good. Cup में क्या करता है कनिष? टी पीता है. चलो glass. Where is the glass? Very good. चलो bowl की तरह bowl. Bowl. जल्दी से touch करो bowl को. Very good. तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया, एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दी। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। हमने बात करी अभी तक सर्व शिक्षा अभियान के बारे में और उसमें हमारे एक्सपर्ट ने डिफरेंट पॉइंट्स बताए कि व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड द फ्रेमवर्क ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जहाँ तक सर्व शिक्षा अभियान, अभी हम बात कर रहे थे सर्व शिक्षा अभियान की, उसका बेसिक जो पर्पस है वो यह है कि राइट टू एजुकेशन को फुलफिल करना। राइट टू एजुकेशन, क्योंकि आज बच्चों का राइट है शिक्षा, सभी का राइट है शिक्षा, तो उस राइट को या उस अधिकार को पूरा करने के लिए इस सर्व शिक्षा अभियान में या जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि सभी बच्चे 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको
फ्री एजुकेशन दिया जाए और अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन जरूरी है। दूसरा है कि किसी तरह का उनसे फी नहीं चार्ज कर सकता, कोई भी स्कूल फी का डिमांड नहीं कर सकता, फी को चार्ज नहीं कर सकता उनसे, और एनी टाइप ऑफ फी नहीं कर सकता। दूसरा, उनको एजुकेशन को, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास करना है उस प्रयास में सहायता करना, उसको और फैसिलिटेट करना, उसको सहायता करके उनके प्रयास को पूरा करने का एक सहायता करके उनके प्रयास को पूरा करने में मदद करने की भी व्यवस्था है इस राइट टू एजुकेशन में। दूसरी बात जो ये है कि जो मेन फैक्टर है जिसका अभी डॉक्टर चड्डा ने भी जिक्र किया था, वो था जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। सर्व शिक्षा अभियान में हम बिल्कुल इस बात को नहीं मानते कि कोई बच्चा रिजेक्ट करने के लायक है या कोई बच्चा नहीं पढ़ने लायक है, ये फिलॉसफी ही नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर वो बच्चा है तो पढ़ सकता है। यानी कि जीरो रिजेक्शन वर्ड है ही नहीं, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी मीन्स नो रिजेक्शन वर्ड, यहाँ रिजेक्शन वर्ड है ही नहीं, ओनली एक्सेप्टेंस एंड देन मल्टी ऑप्शन मॉडल। क्यों? क्योंकि जब हम जीरो रिजेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हमें एक मॉडल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे सभी प्रकार के बच्चे हैं और सभी प्रकार के बच्चे में एटलीस्ट हम ग्रुपिंग में तो कर ही सकते हैं, डिफरेंट नीड, डाइवर्स नीड को डाइवर्स ग्रुप में तब्दील कर सकते हैं, एक यूनिट के रूप में नहीं ले सकते, एक हर बच्चे को एक इकाई के रूप में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ सभी बच्चे को एज पर द कॉमन नीड हम डिफरेंट ग्रुप में डाइवर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें मल्टी ऑप्शन मॉडल को अपनाना ही होगा शिक्षा देने के लिए। तो कुछ मल्टी ऑप्शन मॉडल के बारे में अभी चर्चा की गई थी, जिसमें कई प्रकार के मॉडल हैं, क्लासरूम मॉडल हैं, रिसोर्स रूम मॉडल हैं, होम बेस्ड मॉडल हैं, इटिनरेंट मॉडल हैं, ये जितने भी मॉडल हैं आप इसके बारे में पूरी तरह से अवगत हैं, और इन सभी मॉडलों को हम यहाँ पर यूज करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में सभी मॉडल को उतनी ही प्राथमिकता दी गई है, किसी एक मॉडल को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई या बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और दूसरे मॉडल को इग्नोर किया गया। सभी मॉडल का इक्वल महत्व है और सभी की अपनी उपयोगिता है, जगह डिफरेंट हो सकता है, किसी की उपयोगिता यहाँ पे है, किसी की उपयोगिता वहाँ पे है, किसी की उपयोगिता एक ग्रुप के लिए, दूसरे की उपयोगिता दूसरे ग्रुप के लिए, लेकिन सभी मॉडल का इक्वल इम्पोर्टेंस माना गया है। तो यह सर्व शिक्षा अभियान का एक ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है या विशेषता कह सकते हैं। और दूसरा क्या है कि बेसिकली राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी की हम बात करें उसके मतलब है कि कोई भी बच्चे को स्कूल से बाहर रहना नहीं चाहिए, सभी बच्चे को स्कूल में आना चाहिए, कोई बच्चा बच्चे नहीं जाने के लिए स्कूल से जाने के लिए, या उनको किसी तरह का ऐसा नहीं हो कि किसी कॉन्स्ट्रेंट के कारण वो स्कूल में नहीं जा पाए। तो कॉन्स्ट्रेंट को दूर करना, लिमिटेशंस को दूर करना भी किसी प्रोग्राम का एक फर्ज होता है, और उस प्रोग्राम में लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो नीड का जरूरत होता है या लोगों के सहयोग का जरूरत होता है, उसके लिए भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए प्रॉपर व्यवस्था है, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। और दूसरा क्या है कि केवल उनको शिक्षा देना ही एक हमारा इम्पोर्टेंट एम या गोल नहीं है, शिक्षा देके उनको प्रॉपर सोसाइटी में या समाज में स्थापित करना, मेनस्ट्रीम करना, जिनको हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, रिहैबिलिटेट करना, स्थापित करना, एक प्रोडक्टिव सिटीजन के रूप में स्थापित करना भी इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसका हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन, जब भी हम उनको स्कूल में लाते हैं उसी समय से हमारा एक जो गोल होता है वो होता है लाइफ स्किल ओरिएंटेड गोल, या लाइफ स्किल किस तरह से जीवन को जीने का भी शिक्षा का, शिक्षा एक माध्यम है जीवन को जीने का, तो उसको उस गोल को लेकर के चलते हैं। एंड ऑल काइंड्स टाइप नेचर डिग्री ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैव टू बी रीच्ड आउट टू स्कूल, मतलब सभी को स्कूल में जाना है इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जी, और उनको स्कूल से उसी तरह से वापस आना है जैसे सभी बच्चे आते हैं, उसमें चाहे पीयर सपोर्ट लेना हो या टीचर का सपोर्ट हो, किसी का भी सपोर्ट हो, सोसाइटी का सपोर्ट हो, नेबरहुड का। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कुछ एस्पेक्ट हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो है बिल्डिंग डेवलपिंग रिसोर्सेज फॉर रिसोर्स सपोर्ट। रिसोर्स सपोर्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पे, रिसोर्स सपोर्ट का आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? रिसोर्स सपोर्ट का बेसिकली मतलब होता है कि एक डिसेबल बच्चे को जिस प्रकार के सपोर्ट की जरूरत हो उस प्रकार का सपोर्ट बच्चे को मिले, जो जब हम नीड बेस्ड सपोर्ट की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड अप्रोप्रिएट रिसोर्स सपोर्ट। तो अगर हम सब डिसेबल बच्चों को अप्रोप्रिएट रिसोर्स सपोर्ट देना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उसी प्रकार के रिसोर्सेज डेवलप हों। रिसोर्सेज ह्यूमन भी हो सकते हैं या इक्विपमेंट भी हो सकता है, तरह तरह के रिसोर्सेज होते हैं। इफ यू कैन एक्सप्लेन डॉक्टर। यस, रिसोर्सेज में जैसे अब दो तीन बातें हैं, हम इस बच्चे को स्कूल में लाए,
उनको स्कूल में दाखिला भी करा दिए, लेकिन बच्चे को लाना है स्कूल डेली। अब टीचर का ये टीचर के लिए संभव नहीं है कि वो डेली बच्चे को घर से लाए, तो हमें घर से लाने के लिए कहीं ना कहीं किसी को प्रेरित करना पड़ेगा, किसी को मोटिवेट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अगर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अगर बहुत एक्सपेंसिव है तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाना पड़ेगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब उसमें हमें हो सकता है ऐसे लोगों का हेल्प लेना पड़े जो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उनको ये अपने कर्तव्य का बोध नहीं है कि हमें ये भी करना चाहिए। तो हमें उनको ये बताना है कि नहीं, आपका भी ये सपोर्ट इसमें चाहिए, आप एक रिसोर्स है हमारे, आप एक हमारे लिए संसाधन है। अब कोई ट्रांसपोर्टर है जिनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, आप एक घंटे के लिए अपना ट्रांसपोर्ट को मुहैया करा दीजिए, जो भी पेट्रोल का होगा वो हम बेयर कर सकते हैं स्कूल से या लोगों की मदद से, लेकिन अदर जो उस कंटिजेंट अमाउंट का खर्चा वो नहीं देंगे, वो आपके तरफ से करना है। तो ये हमारे रिसोर्स हम टैप करें। दूसरा रिसोर्सेज की बात होती है कि अगर पेरेंट्स को मोटिवेट करना है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उसके लिए टीचर के साथ साथ हमें कुछ एक्सपर्ट्स का भी हेल्प करना पड़ लेना पड़ता है।